वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनूप। दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स आज रिलीज हो रहा है थिएटर में, क्या आप लोग देखोगे कि नहीं, क्या आप लोग एक्साइटेड है कि नहीं द कश्मीर फाइल्स को लेकर टू वॉच कश्मीर फाइल्स इन थिएटर्स? मैं तो हूं। मैं एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि ट्रेलर ने ये प्रॉमिस किया है कि ये फिल्म हार्ड हिटिंग होगा। अब क्या दिखाया है, कितना सच दिखाया है, किस तरीके से दिखाया, वो देखने के लिए मैं जरूर एक्साइटेड हूं। लेट्स होप दैट द फिल्म इज इंडीड अ वेरी वेरी हार्ड हिटिंग इम्पैक्टफुल वन। वैसे अगर मैं एडवांस बुकिंग की बात करूं दोस्तों, एडवांस बुकिंग बहुत ही बेहतरीन हुआ है जितना मैंने देखा है ऑनलाइन। यार काफ़ी अच्छा एडवांस बुकिंग हुआ है यार, मतलब ओपनिंग, एक अच्छा गुड ओपनिंग लेना चाहिए ये फिल्म, यू नो, बॉक्स ऑफिस पर, विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर द फिल्म। अब ऑब्वियसली अगर आप स्क्रीन्स की बात करें तो मेरे ख्याल से शायद राधे श्याम को थोड़ा ज्यादा स्क्रीन्स मिला है, लेकिन एडवांस बुकिंग अगर आप देखोगे ना, राधे श्याम का उतना ज्यादा नहीं हुआ है एज कंपेयर टू से द कश्मीर फाइल्स, जिसका थोड़ा ज्यादा हुआ है यार, विच इज गुड न्यूज फॉर द कश्मीर फाइल्स। लेट्स होप दैट राधे श्याम ऑल्सो गेट्स अ गुड एडवांस ओपनिंग, एडवांस बुकिंग, जो भी है, यू नो, दोनों फिल्म्स अच्छा मतलब करे बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर, यही हम चाहेंगे। लेकिन कश्मीर फाइल्स की अगर मैं बात करूं यार, स्क्रीन्स की अगर मैं बात करूं, इट डिपेंड्स ऑन द फिल्म। अगर फिल्म अच्छा चल गया, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा, अच्छा रिस्पॉन्स रहा ऑन डे वन, तो ऑब्वियसली यार डे टू, डे थ्री, डे फोर, यार आने वाले दिनों में स्क्रीन्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेट्स होप दैट द फिल्म इज इंडीड अ रियली हार्ड हिटिंग वॉच, एन इम्पैक्टफुल वॉच, एन इफेक्टिव वॉच, लाइक आई सेड बिफोर। अगर आप लोग देखोगे कश्मीर फाइल्स तो लिख कर बताना आपका क्या टेक है इस फिल्म को लेकर। मैं देखूंगा ये फिल्म एंड जरूर रिव्यू करूंगा, सो वेट फॉर माई रिव्यू एज वेल। चलिए, फॉर द मोमेंट टाटा।